सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आजाद कहते हैं दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद रहे हैं आजाद ही रहेंगे। और जिस भगत सिंह नौजवान सभा ने ये कार्यक्रम किया है वो भगत सिंह कहते हैं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। ये भारत एक महान देश है। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसलिए मैं उस भगत सिंह जो मां भारती का सच्चा सपूत है उनके चरणों में नमन करूंगा। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल जो हमको आजादी दे करके गए हैं, ये उन सबको याद करने का एक बड़ा अवसर है। भैया मुझे अभी विजय तत्ववेदी जी कह रहे थे कि नाम नहीं लेना है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इस संपूर्ण जनता जनार्दन, हमारे जो भाई बहन यहाँ देख रहे हैं, इन सब की ओर से भगत सिंह नौजवान सभा का जो देशभक्ति और अनुशासन जगाने का भाव जनता के अंदर भर रहे हैं उनको हृदय से सैल्यूट करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और निश्चित रूप से 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी और आज़ादी के 75 वर्ष का भारत, जिसमें हम बदलाव का भारत, एक नया भारत, एक नया हिंदुस्तान, समर्थ सशक्त और सक्षम भारत देख रहे हैं, मोदी युग का भारत, नरेंद्र मोदी युग का भारत। निश्चित रूप से ये भगत सिंह नौजवान सभा 21वीं सदी के विवेकानंद के सपने, रामकृष्ण परमहंस महर्षि अरविंद के सपनों को साकार कर रही है। मैं उनको बहुत हृदय से नमन करता हूं और जिन विद्यालयों ने, जिन्होंने ये प्रस्तुति दी है उनको भी नमन करता हूं। और आज आज़ादी के इस महान उत्सव के अंदर ये जो यहां पर हमारे भाई बहन दिख रहे हैं, ये उद्घोष दे रहे थे, एक बार जोर, दोनों हाथ जोर से उठाकर जरा बोलिए भारत माता की, एक बार इन सब के लिए जोर से बोलिए वंदे। आज मैं उनको याद करूंगा कि राम की मर्यादा का देश है, अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के कर्मयोग का देश है, ये शंकराचार्य का देश है, ये रणनीति के आधार पर चंद्रगुप्त को खड़ा करने वाले चाणक्य का देश है, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान का देश है, और बापू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर, वीर सावरकर, और जो इस देश के लिए अपना सब कुछ दे करके गए, ऐसे महान क्रांतिकारियों का देश है। हम मंगल पांडे और तात्या टोपे को भूलेंगे नहीं, हम सुखदेव, भगत, राजगुरु, इनके बलिदान को भूलेंगे नहीं, और राम प्रसाद बिस्मिल और उनकी माँ को नहीं भूलेंगे, जो माँ कहती है अगर मेरे कोख में एक बेटा और होता उसको भी मैं राम प्रसाद बिस्मिल की तरह फांसी पर चढ़ते हुए देखना चाहती, क्योंकि माँ भारती को मैं आज़ाद और स्वतंत्र देखना चाहती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इस सब ने अपने जीवन का बलिदान करते हुए, और आज ये मौका है, आजादी हमको कैसे मिली होगी आप कल्पना करिए, किस प्रकार से हमको प्रताड़ना मिली होगी, कितनी पीड़ा सही होगी, हजारों वर्षों के बाद ये अवसर हमारे सामने देखने के लिए आया है। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इसको कहते थे, आजादी भी मिली भारत भी खंडित हुआ, और वो कहते थे दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे,
गिलगिट से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, उस स्वर्ण दिवस के स्वागत में कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। गुलामी क्या थी, आजादी कैसे मिली, साधारण बात नहीं है। और इसलिए भगत सिंह के बारे में माँ भारती कहती है, वो कहती है अपने भगत सिंह के बारे में, अपने बेटे के बारे में, ये घटना अपने बच्चों को बताने लायक है। वो कहती है कि मेरा बेटा लाहौर की सेंट्रल बैरक जेल में बंद है, फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नजदीक आ गई है। आप कल्पना करिए, किसी को फांसी मिलने वाली है और रोज तारीख आ रही है, इस दिन मेरी मृत्यु है। भगत सिंह कहते हैं जैसे जैसे मेरी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मुझे आनंद आ रहा है कि मैं माँ भारती के चरणों में अपने को समर्पित करने के लिए जा रहा हूं। अंग्रेज अफसर रॉबर्ट और वर्कर्स उससे मिलने के लिए आते हैं। वो अफसर कहते हैं भगत माफी मांग लो, जान बच जाएगी। लेकिन भगत सिंह की ये घटना हर घर के हर बच्चे को बताने के लिए आवश्यक है। वो कहते हैं चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, हम भूल जाएंगे कि तुमने असेंबली में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। भगत सिंह कहते हैं और चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन चिट्ठी में क्या लिखते हैं। भगत ने लिखा कि मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी ना दी जाए। अंग्रेज अफसर पढ़ते पढ़ते उसके लिए रोचकता होती है फांसी ना दी जाए, क्योंकि आगे लिखा कि फांसी अपराधियों को दी जाती है। मैं क्रांतिकारी हूं, मैं भारत माँ का एक सिपाही हूं, मैं माँ भारती का बेटा हूं, माँ भारती उसकी कथा लिख रही है। और भगत सिंह अंग्रेज को चिट्ठी लिखते हुए कहते हैं मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि अपराधी को फांसी दी जाती है, मुझे भरे चौराहे पर गोली मारी जाए, क्योंकि सिपाही शान से मरना चाहता है, क्रांतिकारी शान से मरना चाहता है। और जब चौराहे पर मुझे गोली मारी जाएगी, उस समय लाखों देश के युवा देखेंगे और लाखों युवा भगत सिंह बनेंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप चौराहे पर मुझे गोली मारिए और मैं इंकलाब जिंदाबाद बोलूंगा, वंदे मातरम बोलूंगा, माँ भारती की जय बोलूंगा और लाखों लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करूंगा। माँ भारती लिखती है कि अंग्रेज सरकार ने एक देशभक्ति की बात भी नहीं मानी और पहुंचा दिया भगत को फांसी के तख्ते पर। भगत, माँ भारती कहती है मेरा भगत, उसने सोचा कि वीर गति चाहिए, गोली नहीं तो फांसी ही सही। भगत फांसी का फंदा जाते ही चूमता है, फांसी का फंदा चूमने के बाद कहता है मुझे मृत्यु मिलेगी, मृत्यु के बाद फिर से मुझे जन्म मिले और फिर से मैं माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण बार बार न्यौछावर कर सकूं। फांसी का फंदा चूमते हुए वो ये कहता है, फांसी का फंदा चूमते हुए जैसे मेहंदी से सजे हुए दुल्हन का हाथ चूम रहा हो, ए दुल्हन राख बनकर सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पर कैसे सह गया, है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है। भगत सिंह कहते हैं जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। और इसलिए माँ भारती ऐसे यानी वीर पुत्रों को याद करती है। वो कहती है मेरा बेटा एक अल्फ्रेड पार्क में है आजाद, एक पिस्तौल अनगिनत अंग्रेज गोलियों से छलनी कर रहे हैं, तमाम अंग्रेजों को मारने के बाद जब पिस्तौल में आखिरी गोली चली तो वो कहती है आजाद के लिए कि वंदे मातरम भी बोले कि मेरे चरणों की भेंट चढ़ गया, 25 वर्ष की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़ गया। और इसलिए माँ भारती के उस बलिदान को हम याद करते हैं, माँ भारती के द्वारा माँ भारती के लिए किए गए क्रांतिकारियों के बलिदान को हम याद करते हैं। ये आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव आज भगत सिंह नौजवान सभा अजमेर में मना रही है, मैं तो बहुत ही गदगद हूँ।
और निश्चित रूप से जिसको हमारे ऋषि मुनि महापुरुष कह करके गए हैं, आज वो भारत हमको दिखने लगा है। भेदभाव वाला भारत, जातिवाद, वंशवाद, कुरीतियों वाला भारत, अमीरी और गरीबी देखने वाला भारत, संघर्षों के पथ पर चला हुआ भारत, तमाम प्रकार की पीड़ा सहने वाला भारत, लोगों को चेहरे में खुशहाली देखने से देखने के लिए हम तरसते थे कि आजादी के 75 वर्ष का भारत इतना ही नहीं है, तो आगे के ये जो 25 वर्ष है जिस समय आजादी के हम 100 वर्ष मना रहे होंगे, याद करिए, मैं आज इस मंच से कह रहा हूं कि 100 वर्ष जब आजादी के मना रहे होंगे तो भारत ही एक देश होगा जो दुनिया का सबसे सशक्त और समर्थ विश्व गुरु की ताकत वाला देश होगा बंधुओं। और इसलिए हम एक ऐसे देश है, दुनिया के देश मिट गए, यूनानी मिस्र रोमा मिट गए, जहां से क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, कारण क्या है? तो इंडिया का विचार कायम है, भारत माता की जय, आइडिया ऑफ इंडिया है, हम भारत को मां कहते हैं, हम भारत को वंदे मातरम कहकर के चूमते हैं, हमारे लिए आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा है, कड़वंतो विश्व मारे आइडिया ऑफ इंडिया है, वसुदेव कुटुंब का आइडिया ऑफ इंडिया है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लेष्टवत, दूसरे की स्त्री बाके समान, दूसरे का धन मिट्टी के समान, आइडिया ऑफ इंडिया है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, आइडिया ऑफ इंडिया है, पौधे में भी परमात्मा होता है, आइडिया ऑफ इंडिया है। और इसलिए भारत के इस शाश्वत विचार को लेकर के हम चले हैं, इसलिए आज दुनिया में योग पहुंच रहा है, दुनिया में मंदिर पहुंच रहे हैं, और भगत सिंह नौजवान सभा ने ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए है, मेरे वतन के लोगों, दिल दिया है जान भी देंगे, मेरा देश रंगीला ये भी पहुंच रहा है। और इसलिए मैं आज आप सबको निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से कि 75 वर्ष आजादी के 75 वर्ष उन क्रांतिकारियों को याद करने का अवसर है जो सब कुछ दे करके गए हैं, बहुत पीड़ा में गए हैं, बहुत कष्ट मिले हैं। सावरकर लिखता है कि मैंने 2 साल से सूर्य नहीं देखा, चंद्रमा की शीतलता नहीं देखी। अपनी पत्नी को पत्र लिखते समय सावरकर कहते हैं कि हमको जब भूख लगती है तो भोजन नहीं देते, जब प्यास लगती है तो हमको पानी नहीं मिलता, सर्दी के समय हमारे कच्छ में बर्फ डाल दी जाती है, गर्मी के समय हमारे कमरे में आग लगा दी जाती है, कोई मर गया तो वहीं पर उसकी लाश पड़ी रहती है, हम कैदियों को भी वहीं रहना पड़ता है, किसी का नाखून निकाल लेते हैं, किसी की आँख फोड़ देते हैं, किसी के बाल नोच लेते हैं, हमको दिन भर कोलू चला करके इतना तेल निकालना पड़ता है, और जब कोलू चलाते समय हम मूर्छित हो जाते हैं तो अंग्रेज पीछे से हमको डंडा मारते हैं। वो कहता है कि कई बार अंग्रेजों ने कहा कि हमारी शर्त मान लो, लेकिन सावरकर ने एक ही बात कही, मैं शर्त मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरे प्राण ही चले जाएं, भारत की पूर्ण आजादी ही हमें स्वीकार है, कई बार प्राण जाते रहे, मैं भारत में ही जन्म लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करूंगा। उनके परिवार को लोग मिलते नहीं थे, किसी भी क्रांतिकारी के परिवार को लोग मिलते नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों के निशाने में आ जाते थे, कितनी पीड़ा की बात होगी। और इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ जो जनता जनार्दन है, भाई बहन है, आने वाली पीढ़ियों को उन महापुरुष और उन क्रांतिकारियों के बारे में जरूर बताएं। और मैं आज कहूँगा कि इस 75वें वर्ष के अवसर पर इस पवित्र स्थान पर ब्रह्मा जी का पुष्कर सरोवर, ये अन्ना सागर और ये अजमेर जो हजारों वर्षों से इतिहास का साक्षी रहा है, जिसने कई उतार चढ़ाव, कई संघर्ष देखे, इस अजमेर के इस पावन स्थान पर, पवित्र स्थान पर हम भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर जाएं, हमारे साथ संकल्प जुड़े, उन क्रांतिकारियों को भी स्वर्ग में सुख होगा कि हमने उनके संकल्पों को माना है। और उन संकल्पों के लिए मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ उठा करके उद्घोष के साथ हम वंदे मातरम बोलेंगे, मैं यहां से कुछ नारे आप सबको देता जाऊंगा। वो संकल्प हमारे जीवन से भी जुड़े, हमारे परिवार से भी जुड़े, गंदगी मुक्त, गरीबी मुक्त,
भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, जातिवाद मुक्त भारत से जुड़े, एक सशक्त, समर्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जुड़े। और इसलिए आज भगत सिंह नौजवान सभा के इस मंच के माध्यम से मैं आपको अपील करता हूं, आज मोदी जी ने 5 बातें हमारे सामने जो कही हैं, वो 5 बातें भी हमारी याद करने की है। और वो 5 बातें साधारण नहीं है, वो 5 बातें मैं केवल आपको बताता हूँ। एक विकसित भारत, विकासशील भारत नहीं, हमको विकसित भारत बनना है। अब कोई ये ना कहे कि हमको विकासशील भारत की श्रेणी में देखिए, हमको बहुत जल्दी आज़ादी के 75 साल का ये संकल्प है विकसित भारत बनना। गुलामी की मानसिकता, उपनिवेशिकतावाद अगर हमारे मन में है तो उससे मुक्ति का भी एक संकल्प है। और हमारी जो विरासत है, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको गर्व करने की आवश्यकता है। आज मैंने इस मंच पर देखा और भगत सिंह नौजवान सभा को देखकर मैं सैल्यूट करता हूं। वो कहते हैं हमारे नाम की आवश्यकता नहीं है, हम बिना नाम के ही काम करेंगे, इससे बड़ी बात क्या है। इसलिए एकता और एकजुटता और नागरिकों को कर्तव्य भावना से जोड़ना, इन सब बातों के साथ मैं चाहूँगा कि कुछ संकल्प हम अपने साथ जोड़े। और वो संकल्प साधारण नहीं है, वो संकल्प जो शहादत देकर गए हमारे सैनिक, हमारे क्रांतिकारी है, वो कहते हैं कि उनके हौसलों का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का देश कर्ज देश पर उधार है, कर्ज देश पर उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल है क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत के लिए तैयार है। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, इस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, इस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। और वो कभी कहता है कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, और हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते समय मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इस भावना के साथ मैं चाहूँगा कि दोनों हाथ खड़ा करके संकल्पों के साथ आप आज के इस अभियान को मेरे साथ वंदे मातरम आपको बोलना है। भारत माता की जय के लिए दोनों हाथ उठा करके बोलना है, भारत माता की जय के लिए दोनों हाथ उठाकर बोलना है, वंदे मातरम। भारत माता की जय के लिए एक बार नौजवान भगत सिंह नौजवान सभा के लिए भी वंदे मातरम बोलना है, भगत सिंह नौजवान सभा के लिए सबने एक साथ बोलना है, भगत सिंह नौजवान सभा के लिए आजादी के 75 वर्ष के लिए, क्रांतिकारियों के बलिदान के लिए, क्रांतिकारियों के नमन के लिए, गंदगी मुक्त भारत के लिए, गरीबी से मुक्त भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्वस्थ भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, जातिवाद से मुक्ति के लिए, परिवारवाद से मुक्ति के लिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, नक्सलवाद से मुक्ति के लिए, आतंकवाद से मुक्ति के लिए, एक समर्थ भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए, अजमेर वासियों के लिए, महाराणा प्रताप के लिए, भगत सिंह के लिए, आजाद के लिए, माता पन्नाधाय के लिए, माता पद्मिनी के लिए, जौहर की ज्वाला के लिए, क्रांतिकारियों के बलिदान के लिए, भगत सिंह नौजवान सभा के लिए, अजमेर के लिए, अजमेर वासियों के लिए, आज के इस मंच के लिए, भारत माता की जय के लिए, भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए, विवेकानंद के सपनों के लिए, रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान के लिए, राम की मर्यादा के लिए, कृष्ण के कर्म योग के लिए, भारत माता की, 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 वंदे 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 वंदे।